अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज यूनिक मेडिसिन की यूनिक सिम्टम्स लेके आपके साथ। आज जो मेडिसिन है वो हीपर सेल्फ है। हीपर सेल्फ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हीपर सेल्फ उन मेडिसिन में है जिसके ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बना के आपको बताया है कि इसका यूज़ डेली लाइफ में आपके पास होता है और हर घर में होनी चाहिए। तो हीपर सेल्फ की कौन सी यूनिक सिम्टम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि किन कंडीशंस में आपको हीपर सेल्फ यूज़ करनी है। इसकी जो सबसे पहली और यूनिक सिम्टम है कि पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी पाई जाती है। पेशेंट अपनी किसी भी बीमारी को लेके इतना ओवर सेंसिटिव होता है कि वो अपनी किसी भी ऑर्गन को हाथ नहीं लगाने देता। सपोज टू वी कि आप स्किन ले लें, अगर स्किन में आपको ईचिंग है, आपको डर्माटाइटिस है, आपको ऑक्जीमा है, आपको सोराइसिस है, जिसकी वजह से स्किन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और बहुत ज़्यादा पेन है, और उसकी वजह से पेशेंट इतना ओवर सेंसिटिव होगा कि आपको हाथ नहीं लगाने देगा, तो फ़ौरन से पहले आप हीपर सेल्फ दीजिए, 30 में दीजिए, तो कुछ ही डोजेस दीजिए, एकदम मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे। इसके जो सेकेंड यूनिक सिम्टम वो ये है कि इसके अंदर ये ईचिंग की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अंदर ये होता है कि पेशेंट को बहुत ईचिंग होती है और जितनी ईचिंग होती जाती है उतने ही दाने बनते जाते हैं। सल्फर में भी सेम यही सिम्टम है कि पेशेंट में ईचिंग बहुत है, ख़ारिश बहुत है, जितनी ख़ारिश करता है उतने दाने बनते हैं। इसमें और उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि जो ख़ारिश होती है बहुत ज़्यादा खुजाने के बाद हीपर सेल्फ में पेशेंट की स्किन पे दर्द होने लगता है, और सल्फर में क्या होता है कि पेशेंट की स्किन पे जलन होने लगती है। सिम्टम सेम है लेकिन उसके अंदर जलन और इसमें दर्द पाई जाती है। इसकी जो नेक्स्ट यूनिक सिम्टम है वो फिशर्स की है। फिशर्स मैंने चीरा, यानी कि कहीं भी बॉडी में कोई चीरा है और उसमें पेन है बहुत ज़्यादा, तो उसकी हीपर सेल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब ये जो चीरे हैं ये ग्रेफाइटस में भी पाए जाते हैं, पेट्रोलियम में भी पाए जाते हैं। पेट्रोलियम और ग्रेफाइटस के चीरे इतने गहरे नहीं होते, अपर स्किन में होते हैं, लेकिन जब जो इसका फिशर है वो बहुत गहरा होता है, तो ऐसे गहरे फिशर के लिए आपको हीपर सेल्फ देनी है, लेकिन देनी 200 में है। कुछ अर्सा देने के बाद फिशर्स एकदम गायब हो जाएंगे। और इसकी जो नेक्स्ट सिम्टम है जो आजकल के मौसम में आप सबके लिए ज़रूरी है, बहुत जो सॉर थॉट है, यानी कि पका हुआ गला, जिसकी वजह से खांसी आए, आपको गले में खराश हो और उसके बाद खांसी आने लग जाए, तो ये हीपर सेल्फ की बेहतरीन मेडिसिन है। हीपर सेल्फ 30 में दीजिए, बल्कि घंटे घंटे बाद दीजिए। आप देखिएगा, अगर फीवर भी है, अगर खारिश भी है, गले में खराश भी है या खांसी भी है, तो ये और बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आपका जो गला पका हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट सिम्टम है वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे है, कि अगर पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो गया है, और जब वो स्टूल पास करता है और स्टूल जो है बहुत ही ज़्यादा स्मेली है, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है, तो ऐसी कंडीशन में हीपर सेल्फ को 30 में लेना है, थोड़े अरसे के लिए लेना है, और थोड़े अरसे लेने से ही आपके वो जो जैसे ही उसमें पैखाने में स्मेल ख़त्म होगी तो आप एकदम ठीक। तो ये चंद यूनिक सिम्टम्स थी हीपर सेल्फ की। आई होप सो कि आपको जल्दी से हीपर सेल्फ याद हो गई होगी और आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको लगता है कि फ़ायदा होने वाला है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको पता है कि 65% लोग मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं। प्लीज़ ये देखिए, ये आपका एक थंब है, इसको दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना डिफ़िकल्ट थोड़ा है, ना ही तो आपके कोई पैसे लग रहे हैं, ना ही टाइम लग रहा है, तो काइंडली जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बाकी सब में भी शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से दोबारा से हमारा जो हम में कमी रह गई थी मैं दोबारा लाइव आ सकूँ, हमारा लाइव का सिलसिला शुरू हो सके। चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।